तो वही वन्य जीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा उत्तराखंड वन्य जीवों के हमले से भी त्रस्त है। आए दिन इनके हमले की घटनाएं सुर्खियां बनाती रहती हैं। अब जब बारिश आने वाली है तो चिंता के बदले अधिक गहराने वाले हैं। बरसात के दिनों में वन्य जीवों के हमले की घटनाएं बढ़ जाती हैं। वही वन विभाग द्वारा इस बार वन्य जीवों के हमले को रोकने के लिए पहले से तैयारियां की जा रही हैं, ताकि आने वाले समय में वन्य जीव हमले से मानव जीवन को बचाया जा सके। इसके साथ ही विभाग द्वारा टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर कभी भी लोग अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपने जैसा कि अभी कहा कि हमारा जो विश्लेषण है मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं का, उससे ये स्पष्ट होता है कि वर्षा काल के जो महीने हैं वो ऐसी घटनाओं की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है, और इसलिए हमने इस बार इसके लिए पूरी तैयारी करने का प्रयास किया है। पिछले वित्तीय वर्ष में नए उपकरणों के लिए, जिसमें ट्रैंक्विलाइजिंग गन से लेके कैमरा ट्रैप से लेके अनाइडर से लेके रेस्क्यू किट इत्यादि क्रय किए जाने थे, उसके लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि सभी प्रभागों को उपलब्ध कराई गई है। हमने प्रभागों को निर्देशित किया है कि जो उपकरण, और उसमें लाइट वेट केजेस भी सम्मिलित हैं, जो उपकरण क्रय किए गए हैं उनको समय से फील्ड की इकाइयों यानी रेंज कार्यालय तक उपलब्ध करा दिया जाए, और साथ ही उसको उपयोग करने का प्रशिक्षण भी संबंधित कर्मियों को समय रहते उपलब्ध करा दिया जाए। ये देखा गया है कि उत्तराखंड में मानव मृत्यु की सबसे ज़्यादा घटनाएं सांप काटने से होती हैं।